केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बड़ा फैसला ले सकती है। मोदी सरकार संसद के आगामी सत्र में यूसीसी बिल पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार यूसीसी बिल को मानसून सत्र में पेश कर सकती है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में 3 जुलाई को बैठक होगी, इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश और जेडीयू पर भी हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पिटीशन पेपर जो है उस पर विचार करने के लिए वो कमेटी की बैठक बनाई गई है। सम पॉलिटिकल पार्टीज हैव नॉट मेड देयर स्टैंड क्लियर, आल्सो सम कांग्रेस लीडर्स आर सेइंग दैट। वो एक अलग विषय है कि इसका कोई कमेटी से मतलब नहीं है, दो अलग अलग विषय है। जहाँ तक कमेटी की बात है तो कमेटी में तो सभी पार्टी के लोग हैं और वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा 3 जुलाई को। आवश्यकता होगी तो बाद में भी मीटिंग होगी। बाकी इस कमेटी की बैठक का अलग अलग दलों के से कोई संबंध नहीं। बाकी मेरा व्यक्तिगत कोई अगर आप पूछिएगा तो मैं अपनी बात बोल सकता हूँ, लेकिन जो कमेटी की मीटिंग है वो तो नॉन पॉलिटिकल होती है और उसमें सभी दलों के लोग रहते हैं और किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर वो कमेटी चर्चा कर सकती है। तो इस बार हम लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो है और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपीजमेंट पॉलिटिक्स की वजह से क्या जो डिस्कशन हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा उसके ड्रॉबैक या मेरिट्स का? इस कमेटी से उसका कोई बाकी चीज़ों का कोई संबंध नहीं है। ये कमेटी पूरी तरह से न्यूट्रल होती है, सभी पार्टी के लोग रहते हैं और वो लोग फिर अपनी अपनी बात बोलेंगे। जिसका जो मत होगा कौन क्या बोलेगा ये तो उस कमेटी की बैठक में मालूम पड़ेगा। तभी जो बैठक और उसका पर्पस केवल इतना ही है। सर, 21st लॉ कमीशन 2018 में बोली थी कि इसकी ज़रूरत उस समय नहीं थी, क्या अब इलेक्शन जब जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाला है एक साल पहले अब क्या? देखिए, मैं चेयरमैन के नाते इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये जो कमेटी की मीटिंग्स होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और इसलिए उसके बारे में मैं कोई अलग से बोल सकता हूँ, लेकिन एज ए कमेटी चेयरमैन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। डरे हुए हैं इसलिए वो एक एक विधायक को बुलाकर आज तक तो 13 साल में विधायकों को 2-2 महीना समय तक नहीं दिया उन्होंने। और अब देखेंगे तो जो विधायक जो लग रहा है खास वर्ग विशेष के लोग हैं उन्हीं लोगों को बारी बारी से बुलाकर बातचीत की जा रही है। उनको डर है कि जनता दल का तो कोई भविष्य बचा नहीं, जनता दल यू तो 2024-25 आते आते खत्म हो जाएगी, तो उनके विधायकों में भगदड़ ना मचे उसको रोकने के लिए सारी कवायद हो रही है। तो इसलिए 13 साल तो उन्होंने विधायकों को ना समय दिया, ना मिले, ना कोई बातचीत की। अब अंतिम समय में उनको विधायक याद आ रहे हैं। तो इसलिए विधायकों को लग रहा है कि नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का क्या होगा, इस पार्टी का कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है। लालू यादव की पार्टी को तो तेजस्वी यादव चलाएंगे या तेज प्रताप चलाएंगे, कांग्रेस को राहुल गांधी चलाएंगे, लेकिन जनता दलियों को कौन चलाएगा? ये तो कोई परिवार की पार्टी है नहीं। बता दें कि समान नागरिक संहिता का मतलब देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। इसके तहत देश में रहने वाले सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब की स्ट्रीट टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।